हेलो एवरीवन, अब रिवर्स में चल पड़ी है गाड़ी। पहले मैं ये बोलूँगी अपने चैनल के बारे में, फिर अच्छी बात बोलूँगी क्योंकि लोग सुनते ही नहीं है लास्ट तक। आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। देखिए, लाइक करने से क्या है, इंसान का करेज बढ़ता है और इसमें कोई पैसा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, खाली थंब को लाइक करना है। और नहीं भी पसंद आया तो मैं कभी किसी को कहती नहीं कि ज़बरदस्ती करो, क्योंकि जो अपने गुरुओं से सुनती हूँ मैं, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद रही सब्सक्राइब की बात, इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिलता और सब्सक्राइब पर आपका पैसा भी नहीं लगता, तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या, गूगल सर्च इंजन में मेरा नाम आना शुरू हो जाएगा, तो क्या बार बार किसी को जो भी पूछना होगा वो डायरेक्ट चैनल से ही पूछ सकता है। फिर वीडियो घूमनी शुरू हो जाती है, अभी रियर लोगों पे जा रही होगी जिसको आप बोलोगे, तो बस इतना ही होगा। ऐसे नहीं कि कोई पैसा कमाने लग जाता, ये मिथ्स हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं अच्छी बात के लिए। आज बात करेंगे तकदीर, भाग्य, क्या फ़र्क है इनमें। तो एक चाट वाला होता है तो वो बहुत बातें करता होता है, ऐसा घुल मिल जाता है जैसे पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है। और हम भी ऐसे लोगों से काफ़ी मिलते हैं ट्रेनों में, देखना इतने क्लोज हो जाते हैं। या कहीं हम खाने पीने की ठेल पर गए तो, और बहन जी घर में कैसे हैं ये वो, क्योंकि रूटीन वो जान जाते हैं कि ये डेली खाने आती हैं तो हालचाल पूछती हैं। ऐसे ही चाट वाला था और सब कहते थे इस पर कितना टाइम है, हर सब्जेक्ट पर बात करता है। और एक बार एक बंदा है कहता, चलो आज इससे थोड़ा तकदीर और भाग्य के बारे में भी पूछते हैं। कहते, तुम क्या समझते हो, है ये चीज़ें? कह रहे, हाँ बिल्कुल हैं। कहता, साहब जी आपका लॉकर है? कह रहा, हाँ मेरा लॉकर है बैंक में। कहता, आपको पता उसकी दो चाबियाँ होती हैं? कह रहे, हाँ दो चाबी होती हैं। कहते, एक आपके पास रहती है, एक मैनेजर के पास रहती है। कह रहे, हाँ। कहते, जब तक ये दोनों चाबी नहीं लगेंगी लॉकर नहीं खुलेगा। कह रहे, हाँ। कहते, तो आप लोग कौन हो? कर्म हो, भगवान क्या है, एक चाबी भाग्य की भगवान के पास है। तो इंसान को हमेशा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए कि कब आगे भगवान अपनी चाबी लगा दे। दोनों चीजें अलग नहीं है, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। आप पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। अब ट्रांजैक्शन जैसे ही होता है, मैं क्यों बच्चों को कहती गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ 10 लाख बच्चा बैठेगा और 10 लाख का भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य सपोर्ट किसको करेगा, जिसके ऊपर शनि है तो शनि के ऊपर अगर गुरु ट्रांजिट होंगे, अगर वहाँ पर गुरु है तो शनि ट्रांजिट होंगे, ये दो के हाथ में ही चाबी है तो वो चाबी लगा देते। आपने अपनी मेहनत की चाबी लगाई है तो प्लेनेट आपके भाग्य की चाबी। कॉम्पिटिशन इज डिपेंड ऑन लक, भाग्य, और भाग्य को हमेशा प्लेनेट सपोर्ट करते। इसीलिए मैं ईयर बताती हूँ कि आपको ऊपर से सपोर्ट कब मिलने वाला है। नीचे तो आप मेहनत कर ही रहे हो, आप देखो कितने कितने साल बच्चे मेरे सामने जो केस है, एक आईएएस का आया था, वो पिछले 5 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक लड़की 7 ईयर से मेडिकल के एग्ज़ाम दे रही है, नीट एंट्रेंस के लिए, मेडिकल सीट चाहिए गवर्नमेंट, नहीं मिली उसको। अब उसने मेडिकल छोड़ के कुछ और पढ़ाई शुरू कर दी। 7 इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो कि इन दोनों चीज़ें के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका पुरुषार्थ और चाबी किसके पास है, भगवान के पास, कि कब इसके भाग्य में के ताले की चाबी लगानी है और इसको देनी है। मेहनत तो रोज ही कर रही है और मेहनत सारे करते हैं इंडिया में, एक रिक्शे वाले से लेके एक जो बिल्डिंग बनाता है, चाहे मैं हूँ, ये मत समझिए कि कोई मेहनत नहीं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, एसी लगा हुआ, फैसिलिटी होगी, मेहनत सबकी है, बस किसी की दिमाग की, किसी की फिजिकल की है। इंडिया जितनी मेहनत कोई नहीं करता है, लेकिन आजकल तो जब देखो प्रेजेंटेशन है, आज ये तैयार करने को मिला है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास, 2 मिनट होते हैं उसमें, वो व्हाट्सएप या कंप्यूटर पे आपको मिलेंगे, मतलब परिवार के लिए भी टाइम नहीं है।
इतनी मेहनत करते हैं सब बच्चे, हाई पैकेजेस चाहिए, इतना टफ कंपटीशन, इतनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे में कल सोच रही थी कितने लोग अपनी पैशन के साथ, जहाँ उनका पैशन है वो पढ़ाई करें। नहीं, आज ये मेंटली प्रिपेयर माँ बाप पहले ही कर देते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी तो इतने का पैकेज मिलेगा, इतनी आपको पढ़ाई करनी है, तो बच्चे उस प्रेशर में पढ़ाई करते हैं। पैशन कहीं नहीं है, प्रेशर ज़रूर है। तो चलिए आज लेते हैं एनालाइज पार्ट। 4:10:90:83 9 AM राउरकेला, हेल्थ वेल्थ और प्रॉपर्टी। आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे क्योंकि अभी मंगल एक्टिव हुआ है, और प्रॉपर्टी आपकी लोन से है, और वेल्थ के लिए सॉरी, क्योंकि आपको 25/11/2017 से आपके प्लैनेट चेंज हुए हैं। तीन प्लैनेट देने आ रहे हैं, छः आपसे लेके जा रहे हैं, तो मतलब खर्चे ज़्यादा, इनकम कम है, तो ऐसे में बंदा सेव क्या करेगा। आगे चलते हैं। 15/11/1992 3:55 PM हुबली कर्नाटका, प्रमोशन मैरिज। प्रमोशन है 30 मार्च के बाद, क्योंकि गुरु पूरा साल ट्रांजिट होंगे जब उस डिग्री को क्रॉस करेंगे, आपकी प्रमोशन है। मैरिज के स्टार बन रहे हैं 18/1/2021, और आपने बोला फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर आपका ठीक है 36 तक। उसके बाद नेम फेम आपने पूछा है, नहीं आपका नेम फेम नहीं है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी का आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। 21/10/1995 4 AM गया जी बिहार, हेल्थ और सक्सेस। देखिए आपके हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं 4/11/2018 से, तो हेल्थ इश्यूज़ हैं, शनि है, लंबी बीमारी देंगे, और 9 में से 2 प्लैनेट आपको देने आ रहे हैं। तो कन्या लग्न है आपका, आपने शनि का बीज मंत्र लेना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो क्योंकि 5th और 6th लॉर्ड होके वो 5th में बैठे हुए हैं, तो शनि का मंत्र ही आपने लेना है। शनि आपको बीमार कर रहे, लेकिन शनि का ही आपने मंत्र लेना है। 5th हाउस का मंत्र देते, 5th एंड 9th इज गुड हेल्थ, तो 5th से 5th देखते हैं हम, और 9th से 9th भवाद भवम में, तो 5th हाउस ही आता है, तो इस तरह हम मंत्र शक्ति देते हैं। तो आपने मंत्र लेना है शनि का। आगे चलते हैं, और आपने जॉब करनी है। 29/3/1999 7:05 PM पठानकोट। करियर किस फील्ड में चूज़ करें, तो ये क्वेश्चन देखिए गया है, जिसमें आपने पढ़ाई करी आप करियर तो वही करेंगे, मतलब आपको बिजनेस करनी है कि जॉब करनी है, ये ज़रूरी है, तो आपको जॉब करनी है। आगे चलते हैं। 7/11/1995 12 बजे दादरी MP। तो देखिए आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है, बिजनेस सक्सेस और मैरिज के बारे में पूछा है। 25/11/2020 से आपके स्टार अच्छे हैं, आपको 3 प्लैनेट देने वाले हैं और 6 लेके जाने वाले हैं। मैरिज के योग आपके बन रहे हैं 22 सितंबर से, जब राहु ट्रांजिट हो जाएगा तब, तो आपको भी जॉब करनी है, ठीक है, बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि आपको 6 प्लैनेट अगर आपसे ले जाएंगे, 3 दे के आएंगे, तो बताइए कि क्या रेशियो निकालना चाहिए मुझे। सो आज हमारे 5 चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, मेरे लिए भी बेस्ट विशेस मांगे, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे तो हेल्थ इश्यूज़ ही बहुत हैं, लेकिन क्यों है वो मैं जानती हूँ, लेकिन काम कभी नहीं रुकता। अगर मैसेज पहुंचना है वो पहुंचेगा, कंजंक्शन है, योग है, भगवान ने लिख रखा है इस पल में ये काम होगा, वो होकर रहेगा, उसकी कोई काट नहीं है, सिर्फ हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ को, अरे ये तो फालतू की बात है। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में घुसना नहीं चाहिए, एडिक्शन नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरे को है, लेकिन मैं पछता रही हूँ। लेकिन अपना सिंपल जवाब अगर सही वे में मिल जाए, या मुझे बहुत पहले से ही मिल जाता, तो मैं इतनी दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन मुझे नहीं मिला। आपको जवाब देने के लिए अब बहुत सारे गुरु हैं, टीचर्स हैं, जो करेक्ट प्रिडिक्शन करते हैं और आप तक मैसेज पहुंचता है, लेकिन आप लोग ही महान हो। क्यों? क्योंकि उस मैप को बदलने की ताकत आपके अंदर है, और किसी के अंदर नहीं है। आपकी लाइफ का मैप है, आपने बदलना है, सिंपल।
तो अगली बार मिलते हैं एनालाइज पार्ट विद अच्छी बात। बाय।